हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इट्यूड मैथ्स। क्लास टेंथ RS अग्रवाल न्यू एडिशन एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। इन दैट जॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट बी, यानी इस बी पर राइट एंगल है, यानी बी आपका 90 डिग्री है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड AB एंड AC। तो क्वेश्चन में जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। और अब आपको ये 30 डिग्री दिया है फ्रेंड्स, ये अगर 30 डिग्री दिया है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। अगर बाय द वे अगर इस क्वेश्चन में सपोज़ अगर यहाँ पर ये हुआ होता, ये 30 दिया होता, तो इसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पर ये 30 होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। कहने का मतलब है बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते हैं, बट 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि हाइपोटेन्यूस है ये कभी चेंज नहीं होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आपको जो है यहाँ पर ये फाइंड करने हैं। हम यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रिक को लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, यानी साइन कॉस टेन। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, सॉरी आपको हाइपोटेन्यूस और बेस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस आपका कहाँ पर आ रहा है, हाइपोटेन्यूस आपका इस जगह पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, और बेस किस जगह पे आ रहा है आपका, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर साइन और कॉस को लेकर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है, हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है, तो इसमें हमारा साइन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 30 दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, यहाँ पे BC है और हाइपोटेन्यूस आपको क्या कहेंगे, यहाँ पे AC है। तो हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखते हैं 1/2 इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, AC आपको फाइंड करना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो AC इज इक्वल टू 6 × 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है AC की वैल्यू आ रही है, तो ये आपका जो है पार्ट टू अगर पहले सॉल्व हो जा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, AB फाइंड कर लेते हैं। AB आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से आपका 12 सेंटीमीटर आ गया है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपका यानी हाइपोटेन्यूस आ चुका है, तो हाइपोटेन्यूस आपका आ गया है तो आपको बेस फाइंड करना है, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका बेस आ जाएगा, और आप यहाँ पर कॉस से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूस आ चुका है। तो हम यहाँ पर पार्ट वन के लिए क्या कर लेते हैं, कॉस को ले लेते हैं। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस होता क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपका, AB है जो कि फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूस आपका AC है जो कि हमने अभी 12 सेंटीमीटर निकाला है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AB अपॉन में AC की वैल्यू रख देते हैं 12 सेंटीमीटर। 2 से ये 6 12 को कैंसिल कर देगा तो 6 आ जाएगा, यानी √3/1 इज इक्वल टू AB/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका फ्रेंड्स, तो AB का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो AB हो गया, और 6 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका AB फाइंड हो गया, यानी ये पार्ट नंबर 1 है। ये दोनों आपके जो है आंसर्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 29। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।